हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप आज फिर दोनों आपके सामने क्रिप्टो करेंसी की कुछ न्यूज़ लेके टेरा लूना एक करेंसी पेर है जो रिसेंटली क्रैश हुआ है क्रैश नहीं हुआ डिज़ास्टर हुआ है ये डिज़ास्टर से भी बढ़ के शट डाउन हो चुका है और इसके ऊपर कोई भी पैसा अब इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी ट्वेंटी आवर पहले जब लूना एक डॉलर का था और मैंने आ, लोगों को बता दिया था कि इसके अंदर अब इन्वेस्टमेंट ना करें तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बंदा बेवकूफ हो गया अब तो ये क्रैश हो गया सौ डॉलर की चीज़ एक डॉलर में मिल रही है अब क्यों ना बाय करें तो ये और इसके पीछे क्या रीज़न थी क्यों ये शटडाउन हुआ क्यों ये क्रैश हुआ इन सारी बातों का खुलासा आज इसी वीडियो में करेंगे सो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा नवाज एंड वेलकम टू फर्क डॉट कॉम हम लोग अपने दोस्तों को बताया करते थे अपने स्टूडेंट को मैं टीच किया करता था कि स्पॉट में ट्रेडिंग करो कोई ख़तरा नहीं है इवन अगर कोई क्वाइन जीरो भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं बाद में भी फिर उठ जाएगा लेकिन ये चीज़ भी अब क्रिप्टो की हिस्ट्री में दर्ज हो गई है और क्रिप्टो की हिस्ट्री में यह पहली दफ़ा हुआ है कोई क्वाइन सफाई हस्ती से मिट चुका हो और उसका चार्ट उसको एक्सचेंजेस से डी इंडेक्स कर दिया गया और इवन के जो ट्रेडिंग की व्यू की वेबसाइट है उन्होंने उसका चार्ट भी डिलीट कर दिया है तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए क्या हमें क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करना चाहिए तो जवाब है इट्स टू मच रिस्की ये बबल जिस तरीके से लूना के साथ हुआ है क्या इस तरह बी के साथ नहीं हो सकता हंड्रेड परसेंट इस तरह हो सकता है बी ने जो पिछले दो वीक से मूव दी है अलहमदुल्ला सुमा अलहमदिल्ला गो के मैंने ये पहले ही अपने यूट्यूब के चैनल पे बता दिया था कि ये बी क्रैश होने वाला है इससे दूर रहें जब ये बयालीस हज़ार पे था तो फिर हमने कहा था और अभी अलहमदल्ला कल इसने छब्बीस हज़ार लगा दिया लोग मेरी प्रोडिक्शन अट्ठाईस हज़ार की थी क्योंकि उसने डोजी बनानी थी और लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाने थे तो वो उसने उड़ाए हैं छब्बीस हजार पे जाकर लोग बाहर लोगों को बाहर किया है एंड देन अब आप दोबारा से देख लें कि क्रिप्टो थोड़ी सी आ, रिकवर करती हुई नजर आ रही है लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर बी की बात करें तो क्या आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन चल रहा है कि अगर लूना के साथ ये हो सकता है तो बी के साथ नहीं हो सकता तो यस माई डियर फ्रेंड इसका जवाब है हंड्रेड परसेंट येस बी के साथ भी ये हो सकता है क्योंकि ये बी एक लीगल करेंसी नहीं है ये इंटरनेट पे एक हवाई करेंसी है और आज भी स्टिल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मई 2022 में भी ये एक ऐसी करेंसी ही है जिसके ऊपर पाबंदियाँ भी आ सकती हैं जिसको ब्लॉक भी किया जा सकता है जिसको बैन भी किया जा सकता है और जिसके बारे में कभी भी कुछ हो सकता है तो अगर आप रिस्क लेने के शौकीन हैं तो इसके अंदर आप इन्वेस्ट करें अच्छा व्हाट्स रॉन्ग विद लूना लूना की जैसे ही एक्सचेंज हैक हुई है, है, है हैकरस के हाथों और ये विद इन ट्वेंटी फोर आवर सौ डॉलर से टेन डॉलर पर ट्रेड होना स्टार्ट कर दी है एंड एवरी वन वन बाय हमने सबको रोका कि इसको बाय ना करें डूबती कश्ती में सवार ना हो अगर एक बिल्डिंग गिर रही है उसके नीचे खड़े ना हो लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं यही तो प्रॉफिट कमाने का टाइम है लोग भाग के गए उसकी तरफ ये मिसाल ऐसे ही है जैसे जंगल में आग लगी है और लोग भाग के अंदर जा रहे हैं ये वही हुआ लोगों ने टेन डॉलर से बाइंग स्टार्ट की फाइव डॉलर पर बाइंग स्टार्ट की हमने लोगों को रोका इसके ऊपर बाय ना करें अगेन जब लूना एक डॉलर से भी नीचे ट्रेड हो रहा था तब भी आ, हमने लोगों को रोका और ये क्रिप्टो की हिस्ट्री में अब रिकॉर्ड हो गया है कि क्रिप्टो में इस तरह भी हो सकता है कि अगर कोई कॉइन गिर रहा है तो ज़रूरी नहीं वो चढ़ेगा दोबारा और वो ब्लॉक भी हो सकता है और जिस तरह का ये हुआ है डी इंडेक्स कर दिया गया है बैनानस की तरफ से एम की तरफ से और जितनी भी एक्सचेंजेज़ हैं उनकी तरफ से इवन के मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डाटा प्रोवाइड करने वाली कंपनी है ट्रेडिंग व्यू उन्होंने उसका चार्ट डिलीट कर दिया है क्या मतलब है इसका इसका मतलब है कि ये किसी भी करेंसी पेयर के साथ या किसी भी क्रिप्टो पेयर के साथ ये हो सकता है जो क्रिप्टो के करेंसी पेयर हैं उनकी बात करा किसी भी पहले भी टोकन जो शिट क्वाइंस थे वो भाग जाते थे लेकिन इस तरीके का नहीं क्योंकि इस लेवल का कॉइन हो वो चला जाए तो लोगों के लाखों अरबों रुपए इस कॉइन के अंदर डूबे हैं आई ऑलवेज सैट मेरी हैबिट भी है बास्केट like जिन लोगों ने सारा पैसा लोनो में इन्वेस्ट किया था वो आज लोग किधर हैं वो लोग जीरो पे खड़े हैं अब इसके कोई चांसेस नहीं है अब मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या ये रिकवर होगा तो जवाब है नहीं साफ सीधी बात है कि इससे उम्मीद लगाना एक बेवकूफ़ी है आज ही इस उम्मीद को ख़त्म करो एक मैं न्यूज़ भी पढ़ रहा था गोकि ये मुझे इसका सोर्स नहीं पता ही अथेंटिक है यानी न्यूज़ यह थी कि आठ लगभग आठ से दस लोगों ने सुसाइड किया है लूना के क्रैश कर जाने की वजह से ये तो होगा वेन यू पुट आर यूर एग इन वन बास्केट जब आप सारे अंडे ही अपनी एक टोकरी में रखेंगे और वो टोकरी गिरेगी तो वो टोकरी नहीं गिरेगी अंडे नहीं टूटेंगे वो आप गिरेंगे आप टूटेंगे सो so, अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना भी है अगर आपको गुजारा नहीं है तो आप डिवाइड करें मनी मैनेजमेंट के थ्रू अपने पैसे को डिवाइड करें हर हर शिट कॉइन में इन्वेस्ट ना करें ये डॉज कॉइन के साथ भी बहुत जल्द होने वाला है और ये इस तरह के और काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉइन हैं जो मार्केट में बड़ी हाइप स्पेशली वो कॉइन डूबेंगे जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू हैप क्रिएट की हुई है जिनमें नंबर वन जो है वो डॉज कॉइन है इजन मस्क कॉइन तो ये सोशल मीडिया कॉइन्स हैं बेबी डॉज कॉइन ये क्या है इनके पीछे कोई बिजनेस नहीं है ऐसे कॉइन्स के ऊपर इन्वेस्ट करें आप अगर आपने करना भी है मैं रिकमेंड नहीं करें अगर आपने करना भी है ऐसे कॉइन्स के पीछे इन्वेस्ट करें जिनके पीछे कोई फिजिकल बिजनेस है या कोई एक्सचेंज है जिस तरह के बी का आप कॉइन बाय कर सकते हैं कि वह बेनास एक्सचेंज है उसके पीछे जिस तरह के आप कॉइन मार्केट कैप का बाय uh, कर सकते हैं जिस तरह के आप ब्लॉकचेन uh, uh, का बाय कर सकते हैं जिस तरह के आप और भी मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ काफ़ी ज्यादा कॉइन है शिबा कॉइन इज आल्सो आर शिट कॉइन ये भी बहुत जल्द क्रैश कर जाएगा बिकॉज ये भी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू ही ऊपर आया हुआ वी है वीई टी वेस्ट यू एस डी टी एप ये ऐसा कॉइन है जिसके पीछे कसोनो का बिजनेस है तो ये एक बिजनेस तो है चाहे वो बिज़नेस गलत है या सही है एथिकली के लिए हराम है हलाल है इट्स इट्स अप टू यू बट एक बिजनेस तो है ठीक थी। है जी उसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉइन है आडा कॉइन है या फिर इथीरियम है टी आर एक्स है अब टी आर एक्स ट्रॉन हम जितने भी डॉलर बाय एंड सेल करते हैं यू एस डी टी में तो हम कहते हैं यार टी आर एक्स सी ट्वेंटी में सेंड करो तो क्या है वो ये कॉइन ये एक्सचेंज है तो इसका बाय किया जा सकता है बीएनबी का बाय किया जा सकता है इसके अलावा और भी ज़्यादा आ, रिपल का रिपल का भी केस चल रहा है एक्सआरपी का उसका वो बाय ना करें आप वो जब तक वो केस क्लियर नहीं हो तब इसके अलावा और ज़्या, बहुत ज़्यादा कॉइन हैं जिनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं उनको बाय कर सकते हैं मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट शेयर कर देता हूँ अथीरियम बी एम बी कार्डोनो सलोना पोलकाडाट ट्रोन टी आर एक्स टेंटी वो जो मैंने आपको बताया है पोलीगोन मैट्रिक्स इसको आप ले सकते हैं इनके पीछे को रील चेन लिंक ठीक है जी अथीरियम क्लासिकम क्लासिक के इतना मैं हक़ में नहीं हूँ बट वो अथीरियम से लिंकड है तो आप बाय कर सकते हैं हाइड्रा वी चेन अगर आप लेना चाहें वो आ, इनके पीछे वो कसिनो का बिजनेस है तो इट्स तो तो टोटली अप टू यू मैंने आपको बताना था बता दिया अच्छा जी हिलियम एच एन टी जी आर टी ग्राफ एन जी एफ टी एम एफ टी एम वालों का है मेरे ख्याल से न्यू जिला गाला बड़े क्वाइन है ओहो मीना एम आई एन ए मीना क्वाइन कौई, मिनी क्वाइन भी इसको कह सकते हैं होलो इसके अलावा और भी एक पूरी क्वाटम कौ वगैरह पूरी एक लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं लेकिन इनके ऊपर इनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते आप इनके ऊपर आप एक एक दो दो डॉलर या दस दस डॉलर के तो आप ले सकते हैं लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि आप सारा का सारा पैसा उठा के मुंह के सारा का सारा पैसा लगा दे और वो जब डूबे तो आप भी डूब जाए तो लूना क्वाइन एक मार्केट के अंदर एक नई मिथ क्रिएट करके गया है एक नई फिजा कायम करके गया है आपको पता है ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स में पहले ही मार्केट जो है वो फेयर इंडेक्स में जा रही है और फेयर इंडेक्स बहुत ज़्यादा हैवी है इस टाइम और आपको पता ही है लास्ट टू वीक से ये मेरी वीडियोस दोनों आपने लाजमी देखनी है दोनों में मैंने बताया था कि बी क्रैश करने वाला है और बी रिलेटेड जितने भी कॉइन है सारे क्रैश कर जाएंगे और आपके सामने ही है ऑलमोस्ट इस टाइम नाइन्टी नाइन हैं या टोकन है वो क्रैश कर चुके हैं ड्यू टू बी और इस वीक की जो क्रिप्टो की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपने लाजमी देखनी है ठीक है जी तो लूना के बारे में जो जिन जो जिन लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे मैंने सोचा कि वीडियो में सॉल्व कर दूँ तो भाई नंबर वन ये है अब लूना वापस नहीं आ रहा वो बात की बात है एक उम्मीद छोड़ दो ठीक है आपके पैसे डूब गए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और खुश रहो इंतजार ना करो इंतजार उससे भी बुरी चीज़ है वो भी आपको एडिक्शन की तरफ डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगी मैं आपको टू बी वेरी ऑनस्ट क्लियर कर रहा हूँ कि ये खत्म हो गई बात अब इसको भूल जाए अब आगे चले अगर आपने ट्रेडिंग सीखनी है तो फौरक उस्ताद के प्लेलिस्ट है ये इसको फॉलो करें आई के बटन पर प्रेस करें और वीडियोज देखें ट्रेडिंग लर्न करें क्रिप्टो को लर्न करें फिर इन्वेस्टमेंट करें मनी मैनेजमेंट लर्न करें फिर इन्वेस्टमेंट करें ट्रेडिंग प्लान बनाएं फिर इन्वेस्टमेंट करें ये नहीं कि मुंह उठा के हम आम, हमारी आदत ये है कि जिन्हें लाया गली और नाल टोर्च चली हम लोग जो हमारे हमें बातें लगाते हैं हम उसके साथ चल पड़ते हैं और ये चीज़ हमारी ट्रेडिंग में नज़र आती है जब लॉस कर रहे होते हैं तो बस ये तो कौम हम पूरी कौम ही लॉस कर रहे होते हैं क्योंकि एक दूसरे के पीछे चल रहे होते हैं तो ये अपनी आदतें खत्म करें वरना आप भी डूब जाएंगे सो माई डियर फ्रेंड्स वीकली uh, एनालिसिस की वीडियो इंशाल्लाह कल पोस्ट हो जाएगी वो देखिएगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बीटीसी आने वाले वीक में क्या अपडेट रहने वाली है अपनी दोनों याद रखिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन दोस्तों को टैग करें जिन्होंने लोना में इन्वेस्ट किया था अल्लाह हाफिज़